व्यक्तियों नूं सीटीयू च नौकरी दिवाउण दा झांसा दे के उन्हां पासों 13.5 लाख रुपए ठगण दे दोष हेठ नूरपुर दी पुलिस ने एक व्यक्ति खिलाफ धोखाधड़ी दे दोषां हेठ मुकदमा दर्ज किया है। उक्त मुकदमा जिला पुलिस मुखी रूपनगर वालों DSP ERS नूं सौंपी गई जांच दे मुकम्मल होने उपरांत दर्ज किया गया है। SSP रूपनगर नूं दित्ती शिकायत च नज़दीकी पिंड अबियाणा खुर्द दे व्यक्ति प्रताप सिंह पुत्र बलदेव सिंह ने लिखिया कि मैं निर्मल सिंह पुत्र भाग सिंह निवासी पिंड रतनपुरा डाकखाना कनोली जिला रूपनगर नूं करीब 5 साल तो जानता हाँ। इस व्यक्ति वालों मैनू वार वार कहा जाता है कि मेरी उच्च अधिकारियों ते महकमे के अफसर नाल चंगी जान पछाण है और जेकर कोई CTU या किसी होर अदारे च नौकरी लगन का चाहवान होवे तां मैनू दसी। उसने दसिया कि वह उक्त व्यक्ति के झांसे च आ गया और जिस तों बाद उसने अपने 16 रिश्तेदारां ते लड़कियां ते लड़कियां दोस्तों ने मेरे ते भरोसा करदिया होया 13.5 लाख रुपए की राशि दे दिती जो मैं निर्मल सिंह ते उसके पिता भाग सिंह नूं दित्ती गई। उसने दस्सिया कि उक्त व्यक्तियों वालों 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति नौकरी लगवाने की मांग की गई सी। अजे ताईं 16 व्यक्तियों चों किसी भी नूं एक भी नूं नौकरी नहीं मिली जबकि हुण उक्त व्यक्ति पिछले 3 सालों तो नौकरी दवाउण संबंधी लारे लप्पे लगा रहा है। उसने दस्सिया कि वह मेरा फोन भी नहीं चुकता, जब उसके घर जाता तो वह घर नहीं मिलता जबकि उसके पिता जो कि अपने लड़के नाल मिलिया होया है इस संबंधी कुछ नहीं दस रहा। उसने दस्सिया कि उक्त लखां दी ठगी मारन च उसका पिता भी अपने लड़के दे नाल शामिल है। उसने शिकायत च लिखा कि नौकरी ना मिलने ते उक्त व्यक्ति अपने पैसे लैण लई उसनूं तंग परेशान कर रहा है जिसके चलदियां वह दिमागी तौर पर परेशान हो गया है जिस करके उक्त प्यो पुत्र खिलाफ़ नौकरी का झांसा दे के ठगी मारन के दोषां हेठ कार्रवाई की जाए। इस तों बाद जिला पुलिस मुखी रूपनगर डॉक्टर अखिल चौधरी के आदेशों से DSP ERS ने गवाहां के बयान से की गई पड़ताल च पाया कि निर्मल सिंह ने शिकायतकर्ता प्रताप सिंह के रिश्तेदारों और दोस्तों तो CTU नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी मारी है और जिसने नौकरी बदले उस तो 9.5 लाख रुपए नकद लैन संबंधी भी अपने बयान च मनिया है। मगर निर्मल सिंह के पिता भाग सिंह के खिलाफ पड़ताल दौरान पैसे लैन संबंधी कोई गल सामने नहीं आई है तो ना ही शिकायतकर्ताओं वालों उसके खिलाफ कोई सबूत या गवाह ही पेश किए गए। जिला लीगल रूपनगर की हासिल करने उपरांत पुलिस ने कथित दोषी निर्मल सिंह पुत्र भाग सिंह निवासी पिंड रतनपुरा डाकखाना कनोली जिला रूपनगर खिलाफ़ धोखाधड़ी के दोषों हेठ IPC धारा 420 के तहत मामला दर्ज करके अगलेरी कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरा पंजाब न्यूज़।